गाइस कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरीज बताऊंगी कि ओवरीज ऑफ फिशेस जो हैं वो किस तरह से होती हैं, तो उनके वो हम ना डिटेल से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए अभी सबसे पहले जो है ना हम मोर फोर्जी देखेंगे कि उसकी जो शक्ल सूरत है ना ओवरी की वो किस तरह से होती है। जो ओवरीज होती हैं देखिए सबसे पहले होगा क्या कि एक ओवरी होगी, ओवरी के बाद जो है ना यहाँ पे ये सिलोमिक डक्ट फनल वगैरह बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ओवरी के बाद जो है ना वो ओवी डक्ट आ जाती है, ठीक है, जिसमें से एग जो होता है वो मूव करके जो है ना वो जा रहा होता है, ठीक है, इस तरह से होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फिर आगे इसी तरह से स्ट्रक्चर्स आएंगे और एट द एंड क्या होगा कि ये भी चीज़ किस पे ओपन होगी, ये भी चीज़ जो है ना वो एनस पे ओपन होगी। जैसे किस पास नेक्स्ट देखें कि ओवरी जो होती है ओवरी ए जो है ना वो एक सैक लैक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से ना एक सैक लैक जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है ओवरी। इसके अंदर क्या होते हैं जितने एग्स वगैरह होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर बड़ा ही प्रोसीजर चल रहा होता है, जैसे कि इसमें जो है ना टेस्टिस में था बिल्कुल इसी तरह से, तो मैं अभी फर्दर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। तो अब ये देखें अब ये भी कहाँ पे होंगी, ये भी एब्डोमेन में होंगी और किडनी के पास होंगी, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है सीधा किडनी को ढूंढ लेना। आप किडनी को तक पहुँच गए ना तो आप समझ लें कि आप ओवरी तक भी पहुँच गए हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे ना इस ओवरी को वहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, उसको आप सेट रखने के लिए क्या होती हैं मेसेंट्रीज होती हैं। मेसेंट्रीज जो है ना वो आप कह रहे हैं कि एक लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है उस चीज़ को ना वहाँ पर एक जगह पर मेंटेन करके एक जगह पर सेटल करके रखता है। तो उन मेसेंट्रीज जो है ना उनका क्या कहते हैं मेसोवेरियम जो है ना ये कहते हैं। अब होता क्या है कि जो ओवरीज होती हैं उनका जो इंटीरियर वाला पोर्शन है ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो अब होता क्या है जो इनका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना ये हमेशा क्या होता है ये यूनाइटेड होता है, ठीक है, यूनाइटेड होता है और एट द एंड उसमें अब जुड़ा हुआ किसके साथ है वो आगे से जो है ना जेनिटल जो पोर्स वगैरह होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब उन पोर्स के जरिए क्या होता है कि जितनी भी ऊपर से वो बन के आ रहे होते हैं ना एग्स वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। आपको पता है कि फिश जो है ना वो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्स जो है वो रिलीज़ करती है, ठीक है, उसके एग्स जो है ना वो लाखों में जा सकते हैं, 1 लाख तक, 3 लाख तक, 4 लाख तक, इतने एग्स उसके होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि जो इस तरह एक हिंडर पार्ट होता है, ठीक है, एक हिंडर पार्ट होता है जो कि ना अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है, तो अब वो जो है वो भी अब पोस्टीरियर साइड पे जो है ना वो भी आगे पोस्टीरियर साइड पे इसके साथ मिल रहा होता है। एंड इधर क्या होता है जेनिटल जो है ना अपर्चर, अपर्चर मतलब वो सुराख होता है, वो होल होता है जहाँ पे क्या होगा कि ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और फिर वो उसको हम कहते हैं यूरिनो। यूरिनो मतलब ये कि किडनी से जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, जो यूरिन है वो और ये जेनिटल ओपनिंग ये दोनों इकट्ठी ओपन हो गई हैं एक ही जगह पे, और फिर और ये जो उनकी सेम ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल किडनी की आ रही है, इधर से जो है ना ये आ रही है ओवरी का आ रही है, ठीक है, जिसको जेनिटल अपर्चर कह रहे हैं। तो ये इस पूरे को हम क्या कहेंगे ये क्या है ये यूरिनो जेनिटल ओपनिंग है। तो यहाँ से क्या होगा कि एलिमेंट्री किनाल की यानी क्लोएकल ओपनिंग भी आ जाएगी, तो ये सारी की सारी ओपनिंग्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी और फिर यहाँ से क्या जाए एनएस आ जाएगी और एनएस के से क्या हो जाएगा सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी इकट्ठी टुगेदर। तो अब ये देखें कि ये पूरा जो है ना एक लोब्यूलर गुच्छे की तरह का स्ट्रक्चर होता है ओवरी जो है, ठीक है, मतलब आप देखेंगे ना तो आपको जिस तरह मक्खियों का छत्ता नहीं होता बिल्कुल इस तरह से जो है ना, ठीक है, ये इस तरह बना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सर्कल सर्कल होंगे जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये उनके जिस तरह मक्खियों की छत्ता होता है बिल्कुल इस तरह से होंगे। और जो राइपेन ओवरी होती है मतलब जो जितने भी अगर ओवरी या ओवा जो है जिसके अंदर ओवरी के अंदर ना जितने भी ओवा हैं एग्स अगर वो राइप हो चुके हैं तो फिर वो क्या होगा कि वो बल्जिंग होगी, मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो यूं होगा, ठीक है, वो बल्जिंग हुई भी होगी। अब हम क्या करेंगे डिफरेंट फिशेस के अंदर जो है ना ओवरी जो है वो देखेंगे कि किस तरह से ओवरी डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम ना एक कॉन्ट्रोल चीज़ यानी कि लसमू ब्रैंड के अंदर देखेंगे, शॉर्क के अंदर देखेंगे, देखिए वहाँ पर भी क्या होती है ओवी डक्ट होती है। ओवी डक्ट जो है वहाँ पर उसको हम ना मलेरियन डक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ये है कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो डिवेल्प नहीं होगी, ये इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन उसमें नहीं आई होंगी। एंड ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से ये है ना ये इस तरह से फनल लाइक जो है ना ये स्ट्रक्चर होगा और ये पूरी की पूरी ओवरी होगी, उसके पीछे जो है ना फनल लाइक जो है ना ओवी डक्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। एंड देन क्या होगा कि जो उसका हेड है, ठीक है, वो इंटीरियरली ना बॉडी कैविटी के साथ जुड़ा हो गया है, ये इंटीरियरली यहाँ से आप समझ लें ये बॉडी कैविटी है मेसेंट्री के साथ, ये जो हमने पढ़ी है ना ये वाला, ठीक है, मेसोवेरियम, ठीक है, उसके साथ ये पूरा का पूरा जो है ना इसका हेड जो है वो तो जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अब होगा क्या कि जितने भी एग्स वगैरह हैं वो यहाँ से आएंगे, ठीक है, वो इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, ओवी डक्ट से। तो अब जो एग्स हैं वो सीधे किसी जो है ना यहाँ पे इसके अंदर ओवी डक्ट के अंदर घुस जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे ना इधर उसमें घुसेंगे एंड इधर से मूव करते हुए ना इधर आएंगे और यहाँ पे ये वही बात आ गई कि क्लोएकल ओपनिंग है जो कि मैंने चीज़ आपको ना यहाँ पे समझाई थी,
ठीक है, ये वाली कि यहाँ पे ये क्लोएकल ओपनिंग आ गई है, ठीक है, ये किडनी वाली आ गई है और ये जो है ओवरी की ओपनिंग आ रही है ओविडक्ट की, तो ये सारे इकट्ठे मिलेंगे एन एस पे ताकि वो क्या करे जल्दी से जल्द उन चीज़ों को रिलीज़ कर सके। ठीक है, अब जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है ओवी पैरस और एक होती है वीवी पैरस। अब ओवी पैरस में क्या होगा कि जो एंटीरियल एंड होगा ना, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो शेल ग्लैंड में होगा, मतलब ये कि वहाँ पे ना उसने एग के ऊपर जो है ना पूरा का पूरा ऐसे यूनिट शेल बना देना है, ठीक है, ये शेल ग्लैंड होगा। लेकिन अगर बात करते हैं वीवी पैरस या ओवो वीवी पैरस, इसमें जो ओविडक्ट होगी ना वो बहुत लार्ज होगी, ठीक है, और लार्ज होकर ना वो कहाँ तक फैली हुई होगी, यूटरस तक फैली हुई होगी। एंड उसमें उसने क्या करना होगा, जो उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, ठीक है, वो वहाँ उसके अंदर अंदर ही जो है वो हो जाएगी। कि अब जो है ना अब हमने पढ़नी है ये ऑस्टिक्थीज, यानी कि जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर किस तरह से होता है, उनके अंदर भी सेम ये देखें इस तरह से ओवरी होती है। अब ये जो चीज़ है ना इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, ये मेसेनिफ्रिक जो है ना ये क्या है, ये किडनी है, ठीक है, तो ये किडनी के साथ साथ होती है ना इस वजह से, और ये दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये क्या है, ये मेसेंट्रीज है, ठीक है, जिनको उसने क्या कहा था, ये क्या है, मेसोबेरियम। अब ये है ना, ठीक है, तो इसमें से जितनी एग्स होंगे वो सीधे यहाँ पे ओविडक्ट में आ जाएंगे। लेकिन अब देखें अब शार्क के केस में क्या था कि उनको ना ये, अब ये सारी जो है ना ये वाला जो पास, ठीक है, पॉइंट है, ये बॉडी कैविटी है, एग्स को ना बॉडी कैविटी से गुजर के फिर जहाँ पे पहुँचना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली उसके नीचे होगी तो इनको ना उधर से गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये क्या करेंगे एग्स टेस्टी से इसमें से ओवरी में से निकलेंगे और सीधे के सीधे जो है ना ये इधर पहुँच जाएंगे, एग किनार के अंदर पहुँच जाएंगे, यानी ओविडक्ट में पहुँच जाएंगे, और ओविडक्ट आगे उनको लेके जाएगी, ठीक है, यही जो है ना जेनेटल पोर होगा, ये यूनिटल पोर आ गया, ठीक है, एंड ये जो है ना ये यूनिटल पोर आ गया, और इधर से जो है ना ये सीका वाला, ठीक है, वो पोर आ गया, और ये सारे मिलके आखिर में एनस जो है ना वहाँ से क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इनमें जो है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे कि एक्स जो है वो बनते कैसे हैं। देखें एक्स बनने का जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये ओजेनेसिस है, यानी ओवा जो है ना वो बन रहे हैं। तो अब एग्स ये कैसे बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होता है कि इनमें भी एक स्टेम सेल होता है, ठीक है, जिसको हम ना प्रीमोडियर जर्म सेल भी बोल देते हैं, या उनकी डिवीजन के बाद बनते हैं, ठीक है, प्रीमोडियर। देन फिर क्या होता है कि यहाँ तक ना प्रीमोडियल और ये सारा जो प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या हो रही होती है, माइटोसिस होती है। जब माइटोसिस हो चुकी होगी ना तो देन फिर क्या होगा कि आगे से प्रीमोडियल जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से बनेंगे प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी जो है ना वो बन जाएंगे, प्राइमरी ओसाइट्स बनेंगे, फिर आगे से जो है ना ये इनके सेकेंडरी ओसाइट्स बनेंगे, और यहाँ पे अब जो क्या बन रही है, यहाँ पे इधर मियोसिस हो रही है, और मियोसिस के बाद जो है ना ये सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो बनेंगे। तो अब होगा क्या कि ये जो है ना ये सारे एक्टिव जो है ना एग्स होंगे, अब इन्हीं की जो है ना वो फर्दर आगे डिवीजन होगी। देखिए अब हुआ क्या कि ये सेकेंडरी ओसाइट्स बने, फाइनली जो है ना वो ओवम बन गए। अब जो जितना प्रोसीजर है ये ओजेनेसिस वाला जितना प्रोसीजर है, अब ये जो सेल्स है ये कहाँ से आ रहे थे, ये एपिथेलियल सेल्स थे, ठीक है, इनको हम ग्रैन्यूल्स जो है ना वो भी कह सकते हैं, ये वो सेल्स थे जो कि ओवरी के अंदर, ओवरी की लाइनिंग जो थी ना लाइनिंग, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसी में से जो है ना कुछ सेल्स थे, उन्हीं के सेल्स के आगे फर्दर डिवीजन होती गई और फिर ये बने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि जब ये एग बनता है तो एग ने क्या करना है, बहुत सारी फूड जो होती है उसको भी स्टोर करना है। जब फूड स्टोर करेगी ना तो इसमें जो है वो योक भी आ जाएगी, प्रोटीन जो है ना योक की फॉर्म में जो है ना प्रोटीन आएगी इसके पास अल्बुमन, ताकि वो क्या जितना भी एग है एग के अंदर ही जैसी बात है, बेबी ने जो है वो सर्वाइव करना है तो उसके जितनी फूड मटेरियल होगा वो उसके अंदर होगा। और एग का जो साइज़ है ना वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 से ना 10 जो है मिलीमीटर। अब हम देखेंगे इनकी फिकंडिटी, मतलब ये कि इनकी एबिलिटी जो है वो कितनी है। देखें नंबर ऑफ जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, फिकंडिटी कहते हैं, कि मतलब एक फिश कितने नंबर ऑफ एग्स जो है ना उसको प्रोड्यूस करती है। अब ये डिपेंड कर रहा था डिफरेंट चीज़ों पे कि उसकी एज कितनी है, ठीक है, उसका बॉडी का साइज़ कितना है, वो कौन सी स्पीशी है, साथ में कंडीशन कौन सी है जो वो फेस कर रही है, साथ में हम देखेंगे कि उसको फूड कितनी मिल रही है, और जो टेम्परेचर है वहाँ का वो किस तरह का है, और सीज़न कौन सा चल रहा है। ज़्यादातर जो ब्रीडिंग होती है वो हम कहते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है ना उसमें होती है, एंड अगर बरसात या बारिश नहीं हो रही तो फिर क्या किया जाता है कि उनके ऊपर ना आर्टिफिशियल जो है इस तरह पॉन्ड्स से बनाए जाते हैं ना, तो उनके ऊपर आर्टिफिशियल जो है ना बारिश बरसाई जाती है, ताकि क्या हो कि उनको जो है ना, ठीक है, उनके आगे एग्स जो है वो बन सकें। ये अभी जो है ना हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कुछ फिशेस होते, अब फिशेस जो है ना बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हम ना मूला जो है इस फिश की अगर देखते हैं, ये ओशन की फिश है, एंड इसमें ना 28 मिलियन एग्स जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। जो कोड फिश है वो 9 मिलियन तक एग्स जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं उनमें क्या होती है कि उनकी बॉडी की इंटरनल जो है ना फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एग्स जो है ना वो क्या करती है, वो रिलीज़ करती है, एंड मेजोरिटी में जो है ना वो फीमेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती है।
देखें कि इस तरह से, एंड कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो ना इस तरह नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट के अंदर जो है ना वो एग्स रिलीज करती हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो एक मेल आता है वो स्पर्म रिलीज करके जाता है, फिर जो है ना नेस्ट की पूरी वो हिफाजत करती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट देखें, अभी हम देखेंगे हिस्टोलॉजी कि इसकी हिस्टोलॉजी किस तरह से है। देखें ओवरऑल जो है ना जो ओवरी होती है, ठीक है, उसके अंदर थ्री लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है थिन जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ये एंड जो मिडिल है, ठीक है, ये वाली जो मिडिल लेयर है ना, ठीक है, ये बहुत थिक है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये ट्यूनिका, ठीक है, अल्बुजनिया ये है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाती है जर्मल एपिथेलियल। अब ये अंदर वाली लेयर भी है, ये देखेंगे इस तरह से, अब यहाँ पे छोटे 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 सेल्स आए, ठीक है, इस वजह से इसको ना हम कह रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियल जो है ना लेयर कह रहे हैं। तो ये टोटल तीन लेयर्स होती हैं, इन्हीं के अंदर जो है ना वो सेल्स बन रहे होते हैं। सबसे पहले ये देखें कि अब ये बनेंगे किस तरह से, कि इनके अंदर जो है ना वही जिससे मैंने आपको पहले डिवीजन बताई थी कि पहले माइटोसिस होती है, उसके बाद मियोसिस होती है, फिर दंड जो है ना वो हम कहते हैं कि पूरे ओवम जो है ना राइपन ओवम जो होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जो है ना वही जो ओगोनियम, ठीक है, वो बनेगा और उसके बाद फर्दर वो जो डिवीजन होगी और राइपन जो है ना वो क्या बनेगा, ओवम जो है वो बन जाएगा। तो देखें कि अब ओवम के बनने तक अब उसका क्या होगा, साथ साथ जो है ना उसका साइज़ भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारी जो है ना, ठीक है, प्रोटीन्स हो गई और साथ में जो है सॉल्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स हो गई, इन सबको उसने अपने साथ रखना है ताकि क्या हो कि जो बेबी है उसकी फर्टिलाइजेशन में और बाकी जितने भी काम हो रहे हैं उन सब में क्या हो कि उसको फूड जो है वो मिलती रहे साथ साथ। एंड नेक्स्ट जो है देखें कि अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ओप्लाज्म होता है ना, ठीक है, ओप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म को, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना ये ओवम के अंदर जिस वजह से ना ओप्लाज्म कह रहे हैं, अब ओप्लाज्म जो है ना वो भी जो है ना क्वांटिटी में ज़्यादा, ओवरी को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या एंडोक्राइन अपना ऑर्गन भी कह सकते हो। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने साबित किया है कि ये क्या करती है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो हार्मोन्स जो है ना वो ट्यूब्स के जरिए मूव करके आगे आता है। एंड नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ओवरीज जो होती हैं, ठीक है, अब इनका मेन मकसद क्या होता है कि इन्होंने क्या करना है, गैमेट प्रोड्यूस करने है। वो गैमेट होता क्या है, ठीक है, वो गैमेट होता है कि उन्होंने ओगोनिया से आगे फिर ऑनवर्ड जो है ना वो ओवम प्रोड्यूस करना है। जब वो ओवम प्रोड्यूस करेंगे ना तो देखो अब इसको क्या कहते हैं, इस पूरे जो है प्रोसीजर को हम कहते हैं ये क्या, ये ओजेनेसिस है। एंड वो जो स्टोर करके रखेगी, ठीक है, ओवरीज जो है ना वो स्टोर करके रखती हैं तो ओसाइट्स को, तो अब ये जो है ना ये एक तरह का हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ना स्टोरेज ऑर्गन भी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें।